दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा पंजाब की पराली से होता है। दिल्ली में अगर पीने का पानी कम पड़ जाता है तो हरियाणा की वजह से कम पड़ जाता है। अगर वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है तो जो दिल्ली से बाहर के जो प्लांट है उनकी वजह से हो जाती है। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो केंद्र सरकार की वजह से हो जाती है। अगर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो एलजी के ना काम करने की वजह से हो जाती है। अरे इतने बेतुके आरोप केजरीवाल जी, तो घर पे पत्नियां अपने पति पर नहीं लगाती जितने आपने लोगों पर लगा रखे हैं, और अब तो सिर्फ बादल और इंद्र देवता ही बचे हैं, कहो तो उन पर भी आरोप लगा दें। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरविंद केजरीवाल बहुत सारे सपने दिखाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। दिल्ली को पेरिस बना देंगे यह सपना दिखाया था, यमुना टेम्स नदी हो जाएगी यह उन्होंने बार बार कहा। 2013 में भी कहा कि यमुना को 5 साल के अंदर हम बिल्कुल साफ कर देंगे। उनके कई ऐसी आवाजें आज भी गूंज रही है सोशल मीडिया पर, जरा सुनिए इसे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे, और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये सपने दिखाए, लेकिन शातिर केजरीवाल अपनी पुरानी बातों को ऐसे भुला जाते हैं टेलीविजन पर अपने ऐड की ताकत से कि मानो जनता भी भूल जाती है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि दिल्ली को वो झीलों का शहर बना देंगे। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है, झीलों के चारों तरफ इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है, वहां पे दूर दूर से पक्षी आने लगे हैं, और आसपास का पूरा, जैसे द्वारका की मैं झील पे गया था, 5 मीटर पानी ऊपर आ गया, वहां पे वाटर टेबल का 5 मीटर पानी ऊपर आ गया है। अब मुझे लगता है वहां पानी की दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से पानी इस्तेमाल करके ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झीलों से एक तरफ वातावरण अच्छा होगा, एक तरफ हवा अच्छी होगी, और दूसरी तरफ अपने को पीने को पानी मिलेगा। दिल्ली झीलों की शहर होगी इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि दिल्ली में इतने सारे झील हैं और बनाए जा सकते हैं, वो झील गंदे पड़े हुए हैं। आज दिल्ली, पूरी दिल्ली झील में तब्दील हो गई है, और बीजेपी की आईटी सेल समेत तमाम सोशल मीडिया पर केजरी का वो मजाक चल रहा है कि दिल्ली तो सचमुच झील बन गई। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है, झीलों के चारों तरफ इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। सर ने कहा था, केजरीवाल सर ने, कि घर घर पानी जाएगा, देखो रोडों पे भी पानी आ गया अब तो। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है, झीलों के चारों तरफ इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। दिल्ली की जब ये बदतर हालत हुई तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया। शातिर केजरी इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि चूंकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पानी छोड़ रहा है, जरूरत इस बात की है कि इन दोनों राज्यों को रोका जाए।
दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहां क्या स्थिति है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। अब प्रकृति से कौन लड़ सकता है, हिमाचल की पहाड़ से तो नदियां वहां निकल रही हैं, उत्तराखंड से नदियां निकलती हैं, फिर उस रास्ते में हरियाणा को कैसे बंधक बना करके बर्बाद किया जा सकता है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो क्या हरियाणा को तबाह कर देना चाहते हैं। केजरी जब चुनाव प्रचार किसी राज्य में करने जाते हैं तो उसी राज्य की बात करने लगते हैं। केजरी को हरियाणा भी जाना है लेकिन अभी उनकी बात दिल्ली तक है, तो इसीलिए वो हरियाणा को डुबा देने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए ताकि दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा सके। जब केजरी की सरकार, केजरी की पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी तो पराली के लिए वो पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, आज उस पर केजरी की चुप्पी है। केजरी पूरी तरह से इसी ढंग की शरारतपूर्ण राजनीति करते हुए पैदा हुए, दूसरों पर आरोप लगा करके फिर भाग जाना। जब तक उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कांग्रेस ने कभी पलटवार नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया, जब उन्होंने आरोप लगाया नितिन गडकरी पर, तो उन्हें थूक कर चाटना पड़ा, अदालत में जाकर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल केजरी को जब तक सवासेर से भेंट नहीं हुई तब तक केजरी एकदम से उदंड अवस्था में रहे और उनकी पूरी टीम झूठ और मक्काड़ी का खेल खेलते रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज करने वाले अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम, जिसे वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपवा करके उन्हें धरती का सबसे ईमानदार बता रहे थे, वो शराब माफियागिरी के खेल में फंसे और सुप्रीम कोर्ट तक से भी जमानत नहीं मिल रही थी। दो दो बार हाईकोर्ट ने जमानत रद्द किया। एक साल से ज्यादा समय से उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और रहमो करम पर, अपने बीमारी के रहमो करम पे अभी तात्कालिक जमानत पर हैं। दरअसल ये केजरी की पहचान है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे केजरी, पूरा केजरी गैंग भ्रष्टाचार की जब बात करता है तो एकदम से मजाक लगने लगता है। लेकिन केजरी अब तक उन दागदार लोगों के खिलाफ झूठे सच्चे आरोप लगाते रहे तो दागी कभी उन पर हमला नहीं करे। जेटली और नितिन गडकरी के बाद केजरी थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे आने लगे, लेकिन अपने एड व्यवस्था के कारण, टेलीविजन चैनलों और अखबारों में एड ठूस कर देने के कारण केजरी के खिलाफ मीडिया अक्सर चुप्पी लगाए रहता है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कांड हो जा रहा है। दरअसल अभी जब दिल्ली डूबने लगी, ये तस्वीरें वायरल होने लगी, चाह करके भी दिल्ली की मीडिया केजरीवाल को नग्न करने से रोक नहीं पाई। दरअसल केजरीवाल पर तो मीडिया हमला नहीं कर रही थी, शानदार विजुअल्स, डूबती दिल्ली में लाल किला डूब रहा, इंडिया गेट डूब रहा, दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन डूब रहा, इस तरह की तस्वीरों से मीडिया टीआरपी बटोरना चाह रही थी, तो केजरी को लगा अब तो कांड हो गया। तब केजरी हरियाणा पे आरोप लगाने लगे, हथनी कुंड बैराग की बात करने लगे, केजरी ऐसी उदंडता करने लगे कि सब चीज के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, फिर गिरगिराने लगे अमित शाह के सामने में ट्वीट कर करके, अक्सर हर चीज की क्रेडिट लेते रहे और हमेशा फेल होने पर यह खेल करते रहे। केजरीवाल यही खेल कोरोना काल में भी कर रहे थे, जब पूरा क्रेडिट ले रहे थे और जब दिल मजदूर भागने लगे, उन्हें भगाने की साजिश रचने लगे और फिर ये कहने लगे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं उसका प्रेशर दिल्ली पर है,
जबकि सब ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं कराता, वो एम्स या सफदरजंग जाता है। तो केजरी का यह सिलसिला जारी था, लेकिन अब की बार वो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से टकरा गए। अक्सर एलजी पर हमला करने वाले केजरीवाल के चेले कैमरे के सामने ही उदंडता करने लगे। जरा सौरभ भारद्वाज के इस उदंडता को देखिए और उसके बगल में केजरीवाल के शरारतपूर्ण चेहरे को देखिए। एकदम से लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं केजरी के, उन्हें ट्रेन किया गया है कि कैमरे के सामने, मीडिया के सामने एलजी को जलील करना है। एलजी ने क्या खेल किया इनके साथ, कैसे नग्न किया पूरी गैंग के साथ। अतीशी भी साथ में है और सौरभ भारद्वाज भी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली के क्या हालात हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए। उनका एक मेन कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। सोनिया विहार में भी एक ब्रीच हुआ था, उसको भी टैकल कर लिया गया। यहाँ पर हुआ, इसको भी हैंडल कर लिया जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर सौरभ जी ये कहना चाहूंगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती है, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। सर आपने सारी टीम अपनी जो है, सारे मिनिस्टर जो है वो सड़क पर है, लगातार उसमें जा रहे हैं, पूरी रात सौरभ जी थे, क्या कुछ और इंस्ट्रक्शंस आपने एमएलए और सबको दिए हैं? नहीं, बस ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कल से, ये जो ब्रीच। जी सौरभ भारद्वाज ने बड़ी चालाकी से कहा कि दिल्ली में जब ये चीजें ठीक हुई है उसका डिमांड हम पहले कर रहे थे, यदि एनडीआरएफ की टीम आ जाती तो भला हो जाता। दरअसल कैमरे के सामने मतलब मीडिया के सामने सौरभ भारद्वाज केंद्र सरकार पर आरोप लगाना चाह रहे थे कि हम ये डिमांड कर रहे थे और यदि पहले आ जाते तो ठीक हो जाता। एलजी ने पूरी तरह से नंगा कर दिया कि आरोप प्रत्यारोप का खेल मत खेलो, यदि हम बोलने लगेंगे तो नग्न हो जाओगे। ये दिखाता है कि लगभग 9 साल से या यूं कहें 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल ने दिल्ली को कैसे बर्बाद कर दिया। शीला दीक्षित की सुंदर दिल्ली को तबाह कर दिया, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित के काल में लगभग 15 साल में इतना सुंदर बनाया गया, फ्लाईओवर का शहर बनाया गया, तमाम चीजें डीटीसी की बसों से दिल्ली की खूबसूरत बनाया गया, मेट्रो से दिल्ली को सजाया गया केंद्र दिल्ली के सहयोग से, उस दिल्ली को केजरी ने एकदम से नरक बना दिया। दिल्ली आज नरक के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि झूठ और फरेब का खेल खेलते केजरी जब फेल हो जाते हैं तो केंद्र की शरण में चले जाते हैं और उसके बाद भी क्रेडिट खुद लेने लगते हैं। मामला यहीं तक नहीं था, जब आईटीओ के सामने जब पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति आ गई तो इसका क्रेडिट लेने के लिए भी केजरी कूदने लगे। पूरा काम आर्मी के जवानों ने किया, लेकिन केजरी ने ट्वीट करके ये कह दिया कि 20 घंटे की हमारी मेहनत सफल हो गई। अब उपराज्यपाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने इस बात में भी केजरी को नग्न किया। दरअसल सेना तो केंद्र सरकार के अंदर में आती है तो फिर केजरी ये क्रेडिट कैसे ले रहे थे। ये क्रेडिट लेने के खेल में दिल्ली ने देखा कि उसका शासक किस कदर नग्न है जिसे उसने चुना है। अब सुप्रीम कोर्ट में भले ही कह दिया जाए कि चुनी हुई सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी केजरी के लिए हमेशा कमाई का माध्यम बन जाता है। अब केजरीवाल पूरी तरह से अपनी खाल खोल से बाहर आ गए हैं।
दिल्ली ने देख लिया कि केजरीवाल की नीतियों के कारण कैसी तबाही आई और एक बारिश में दिल्ली समा गई। यदि नेशनल कैपिटल का ये हाल है तो सोचिए केजरी जैसे नेता यदि दूसरे राज्यों में चले गए तो क्या होगा। इसी दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना केजरीवाल ने दिखाया था, 10 साल में नरक बनाकर छोड़ दिया। लेकिन कैमरे के सामने साजिश में अब की बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल का पूरी तरह से नकाब उतार दिया और दिल्ली ने उस नग्न केजरी के पूरे चरित्र को देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।